अभी तो मुझे किसी भी तरह अब्बास को रोकना है चंदा की उस छोटे से शादी करवाने से। लेकिन कैसे? हाँ, मैं हसन से बात करती हूँ। मैं किसी छोटे से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, बल्कि जहाँ तुम चाहती हो वहीं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। उमर दुबई जा रहा है। उमर दुबई जा रहा है? तुम जहाँ कहोगी जैसे कहोगी मैं उससे मिलने आ जाऊंगी। प्लीज एक बार मिलवा दो। चंदा, तुम इतना गिर जाओगी, जो लड़का तुम्हें छोड़ चुका है उससे मिलने के प्लान बना रही हो। मेरी इज्जत बर्बाद करने में कोई कसर रह गई थी जो पूरा करना चाहती हो। अब्बास, छोड़ी चंदा को। ये क्या कर रहे हैं? कोई जवान बेटी के साथ इस तरह करता है? जवान बेटी घर से भागने का प्लान बना रही है। जिस लड़के ने इसे छोड़ दिया उससे मिलने की ख्वाहिश जाग गई है इसके दिल में। पूछो इससे, किससे मिलना चाहती थी, किससे बात कर रही थी ये? अगर आज के बाद ये घर से बाहर निकली ना या किसी से फोन पर बात की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी तुम? आ रही हूं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वो चंदा बाजी हैं? हाँ है। तुम्हें उससे क्या काम है? काम तो कोई नहीं है। तो फिर रोज रोज मुंह उठाकर क्यों चले आते हो? अम्मी, ये किसे डांट रही हैं आप? वही जिसकी वजह से हमारी जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। अरे सलमान तुम। अम्मी, आप अपनी परेशानी का गुस्सा उस बच्चे पे क्यों उतार रही हैं? उसका क्या कसूर है इसमें? इसी का कसूर है। न ये होता न ये सब फुतूर उस घटिया इंसान के जहन में आता। अच्छा बस कर दें आप। सलमान तुम अंदर आओ। चलें आप भी अंदर। सलमान, चंदा बाजी, आपकी अम्मी क्या कह रही थी? क्या किया है मैंने? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ। नहीं सलमान, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि किसी ने ऐसा गुनाह किया है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। वो चंदा बाजी, उस्ताद कह रहा था कि वो मेरी शादी आपसे करवाएगा। ये कहा उसने तुमसे? जी। और तुमने क्या कहा फिर? चंदा बाजी, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन उस्ताद ने मुझे वापस भिजवाने का कहा। तो क्या सलमान? हसन, तुम्हारी बात हुई थी अब्बास से? जी आपा, मेरी बात हुई थी अब्बास भाई से, लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो उनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पुलिस से राब्ता करूं। आज जाऊंगा पुलिस स्टेशन, वहां जाकर जो भी बात होगी फिर आपको बताऊंगा। जो भी करना है जल्दी करो हसन, मेरी बच्ची चंदा को बचा लो। ऐसा क्या हो गया आपा? उस पर सख्त कड़े पहरे लगाए जा रहे हैं। उसका घर से निकलना बंद कर दिया गया है। मेरी बच्ची फोन पर किसी से बात नहीं कर सकती, सख्त तकलीफ में है वो। ये आप क्या कह रही हैं आपा? किसने किया ये सब कुछ? अब्बास ने। और आपने सब कुछ मान लिया? हसन, मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। अब्बास चंदा की शादी उस बच्चे से करवा देगा। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। मुझे खुद ही सब करना होगा। फिर चंदा की जिंदगी खालिद के हाथों बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे उमर से मिलके उसको सारी सच्चाई बतानी होगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बेटा। अब्बा जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो। आपने कुछ सोचा चंदा की शादी के बारे में? सोचना क्या है, जो फैसला किया है वही होगा। मैं तो कह रहा था कि बस जितनी जल्दी हो सके ना इसकी शादी करवा के अपनी जान छुड़वाएं। शादी करके एक दफा चली जाएगी ना तो फिर ये फड़फड़ाना भी बंद कर देगी। मैं तो खुद चाहता हूं कि इस लड़की से मेरी जान छूट जाए। अरे बात खटक रही है, शादी के बाद जाएगी कहाँ? उस बच्चे के पास तो ना कोई घर है ना ठिकाना। इसमें कौन सी परेशानी की बात है अब्बा? चंदा के अब्बा की जो प्रॉपर्टी बची है उसको बेच के कोई एक आध घर ले लिया जाए, उसमें रह लेगी छोटे के साथ। छोटे ने कुछ अरसे में बड़ा हो जाना है, फिर बीवी को भी संभाल लेगा और प्रॉपर्टी को भी। क्या तो तुम ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं मौलवी से बात करूं फिर। मैं अपनी बच्ची की शादी उससे नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? है? बताओ क्या करोगी? मैं कुछ भी कर जाऊंगी, लेकिन मैं चंदा की शादी उस बच्चे से नहीं होने दूंगी। सब जानती हूँ मैं। आप ये सब कुछ इस घटिया इंसान के कहने पर कर रहे हैं क्योंकि आपने पैसे ले रखे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस कारोबार के बीच नहीं चढ़ने दूंगी। बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? चंदा की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। खालिद, मौलवी से दिन और वक्त मुकर्रर करके मुझे बताओ। देखता हूं मैं कैसे को रोकता है मुझे। अब्बास, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुना आपने, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तुम भी सुन लो, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। घटिया इंसान बड़े फैसले करने चला है। अरे आप? हाँ, बहन की जिंदगी का सवाल है, इसलिए रह नहीं सकी। चली आई। उम्मीद है कि आपको मेरा यहाँ आना बुरा नहीं लगा होगा। मुझे तुमसे चंदा के बारे में बात करनी है। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। उमर, तुमने चंदा से अपना रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन उसकी कोई भी वजह नहीं बताई। वजह तो मोहब्बत करने की भी नहीं बताई थी। मैं यहाँ सवालों जवाबों में उलझने नहीं आई। तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि जिस शख्स ने तुम्हारे दिल में चंदा के लिए नफरत और शक पैदा किया, दरअसल वो खुद एक घटिया इंसान है जिसको मुझे अपना शौहर बोलते हुए अब शर्म आती है। मैं जानती हूँ खालिद ने ही तुम्हें अपने और चंदा के रिश्ते के बारे में शक में मुब्तला किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जिस दिन से हमारी शादी हुई है उस दिन से वो चंदा के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। पहले तो मैं नज़रअंदाज करती रही, मगर जब हालात हद से बढ़ गए तो मैंने खुद चंदा से बात की, उसको खालिद से दूर रहने को कहा। आपकी बहन है ना, इसलिए आप तो यही कहेंगे, और आप तो ये भी चाहती हैं कि आपके शौहर की उससे जान छूट जाए। वो आपकी सौतेली बहन है और आप चाहती हैं कि आप उससे जान छुड़वा के मुझसे शादी करवाएं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। उमर, मैं उस इंसान की बीवी भी हूँ जिसके साथ मुझे मजबूरन अब सारी जिंदगी गुजारनी है। अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं तो मुझे बहुत अफसोस है कि चंदा ने अपनी जिंदगी के लिए तुम्हें चुना। जिस इंसान को सिर्फ इतना एतबार है कि किसी की बातों में आकर अपना रिश्ता तोड़ दे। अगर हो सके तो मेरी बातों पे गौर जरूर करना। जी बताइए हसन साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक केस के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। जी जी बोलिए। वो असल में हमारे को जानने वाले हैं, उनकी बेटी है, उसका सौतेला बाप उसकी शादी ज़बरदस्ती एक छोटे बच्चे से करवाना चाह रहा है। शादी कब है? शादी उसका तो पता नहीं है, लेकिन बच्चे की वालिदा का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान है, इसीलिए मैं मदद हासिल करने आपके पास आ गया हूँ। देखिए हसन साहब, इस तरह के केसेस में ऐन निकाह के वक्त ही कार्रवाई की जाती है, मगर आपकी खातिर में चलकर उनको समझा सकता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मेरा भी ये ख्याल है कि अगर आप खुद जाकर उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसा आपको बेहतर लगे जनाब। मैं ज़रा उन्हें खबर कर दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, मेरी बात हो गई है यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब आएंगे और खालिद से खुद बात करेंगे, उसे समझा लेंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है? शकीला, तुम्हें उमर के पास नहीं जाना चाहिए था, उसे लगा होगा कि मैंने तुम्हें भेजा है। मेरा ख्याल था उमर सच्चाई जानकर सब समझ जाएगा, मगर वो तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। ना जाने खालिद ने उसे तुम्हारे और अपने बारे में क्या कुछ बोल दिया। जिसने मेरी नहीं सुनी वो तुम्हारी कैसे सुनता। मैंने इस बार अपना फैसला अपने रब पे छोड़ दिया है। अगर मैं सच्ची हूं तो वो मुझे शादी से रोकने के लिए किसी फरिश्ते को भेजेगा। और अगर वो फरिश्ता ना आया तो, ऐसा ना हो सका तो, मैं इस शादी को अपने रब की आजमाइश समझ के सब्र कर लूंगी। और तुम अम्मी को समझा दो कि वो इस बारे में परेशान होना छोड़ दें। जब हालात आपके बस में ना हो तो खुद को उनके सहारे छोड़ देना ही बेहतर है। पानी के बहाव की तरह कभी ना कभी किसी ना किसी किनारे पे लाके छोड़ ही देंगे। बंदा टूट जाता बंदा टुट जांदा मैं जानती हूँ खालिद ने ही तुम्हें अपने और चंदा के रिश्ते के बारे में शक में मुब्तला किया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जिस दिन से हमारी शादी हुई है उस दिन से वो चंदा के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। कौन है? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे 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 कहां घुसे चले आ रहे हैं? बाहर कौन आ गया इस वक्त? खालिद कौन है? बुलाए से। खालिद मेरा दामाद है, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? अभी सब पता चल जाएगा। बुलाओ खालिद को। खालिद आ गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे गरीब खाने पर? और यही तो बताने के लिए आए हैं। चंदा कौन है? चंदा मेरी बेटी है। क्यों, क्या बात है? तो बीबी, ये बात सच है कि आपकी बेटी की शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं छोटे बच्चे के साथ? इसका मतलब है कि आपकी बेटी को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। जी इंस्पेक्टर साहब, क्या आप घरेलू मामलात में फंस रहे हैं? आइए आइए, एक मिनट मेरे साथ आइए। भाई तुम लोग रुको एक मिनट, आइए आइए। कुछ भी नहीं, ये घरेलू मामलात हैं। ये खातून की ना तरफ दिमागी तौर पे सही नहीं है। आप काम करें, आप ये रखें, आप रखें। कुछ भी नहीं है असल में। वो जरा परेशान रहती हैं, इस वजह से उनको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या। उन्होंने खुद ये बात की हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जाओ भाई, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। जाओ जाओ ना, शुक्रिया शुक्रिया। तुम अच्छा नहीं कर रही हो, समझी? अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम रिश्वत देकर बच जाओगे तो ये तुम्हारी भूल। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी।